गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी देखो धूप निकल आई है और बहुत अच्छा सूरज निकला है। आज हम लोग जा रहे हैं मथुरा। जैसा बताया था मैंने लास्ट व्लॉग में कि हम लोगों को मथुरा चक्कर लग सकता है। पापा कहीं लग रहा है तो मेरा ही लग रहा है, और चीकू भी जा रहा है। चीकू बता दो, मैं नए जूते ले आया। तो गाइस ये वाले शूज पसंद किए थे चीकू के हम लोगों ने उस दिन रेगुलर यूज के लिए, लेकिन अभी मथुरा जा रहा है तो यही पहना दिए हैं। और क्या ही बढ़िया धूप निकली है, देखो चेहरे पे आप समझ पा रहे होगे। गाड़ी हमारी तैयार है, बस हमको यहाँ से दीदी घर जाना है, दीदी को उठाना है, जिया जी को उठाना है, फिर हम लोग मथुरा चलेंगे। और ये ट्रिप इंजॉय करो, मंदिर घूम के आएंगे, गोवर्धन और प्रेम मंदिर, मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा। रजनी भी तैयार हो गई है, रजनी आ जाए वैसे निकलते हैं हम लोग। हाँ गाइस, हम लोग अद्दा को लेके नहीं जा रहे, अद्दा जाएंगे दवाई लेने संदीप के साथ। अद्दा को खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली रजनी निकल आई, चलते हैं फटाफट दीदी घर, बैठ जल्दी जल्दी। अभी हम लोग फ्यूल लेंगे क्योंकि गाड़ी में डीजल ऑलमोस्ट लाइट चल रही है, देखो तो फटाफट डीजल ले लेते हैं, देन दीदी घर चलेंगे। इधर चीकू देखो, ये मस्त पीछे बैठ के जा रहा है, इसकी मम्मी साइड में बैठ के जा रही है। अभी जगह शिफ्ट हो जाएगी तो वहाँ जी आई जाएंगे। मंकू कहाँ चल रहे हम? आइए जी आई तैयार हो गए, दीदी तैयार हो गई, मम्मी जी तैयार हो गई, और सब लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, हम भी चलते हैं फटाफट यहाँ से। तो चारों टायरों में हवा हो गई है अभी, और अब सीधे हमने इसके पास ही रुकेंगे या पहले गोवर्धन चलेंगे, वहाँ रुकेंगे चल के। तो गाइस गाड़ी अभी मैंने यहाँ पार्क कर दी है और हम जा रहे हैं सीधे भगवत गीता मंदिर, बिरला मंदिर, धर्मशाला, यहाँ घूम के आते हैं जीजा जी। और देखो ये लोग सब अंदर जा रहे हैं, अभी मैं भी चलता हूँ, गाड़ी आराम से खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जूते चप्पल उतारेंगे अपने। तो दोस्तों यहाँ से मंदिर शुरू होता है और इधर देखो सामान मिलता है खरीदने के लिए, लाइक कृष्ण मतलब छोटे कृष्ण जी के कपड़े वगैरह का, छोटा बच्चा है कोई, और भी बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बढ़िया मंदिर है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो है फोटोग्राफी वर्जित है, तो मैं जो भी दिखाऊंगा ना वो म्यूजिक के साथ चलता रहेगा, क्योंकि हर चीज़ को देख के बोलना बहुत इम्पॉसिबल है। ये पीछे गीता स्तंभ है और सिनेमेटिक मतलब इस वाले ब्लॉग में ना आपको सब कुछ सिनेमेटिक देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि ये वाला मंदिर है, बस जाते टाइम बता देखाऊंगा कि ये वाला मंदिर है। तो गाइस बिरला मंदिर हम लोगों ने पूरा घूम लिया, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। और अभी हम जा रहे हैं छठी करावे, वहाँ पे हमने हमको मिल जाएगा, फिर वो भी साथ चलेगा, देन हम गोवर्धन जाएंगे और शाम को प्रेम मंदिर जाएंगे, और फिर हम सीधे अलीगढ़ के लिए चलेंगे, ठीक है? तो हो सकता है ये ब्लॉग दो पार्ट में आए, तो ध्यान रखना। तो गाइस अभी मैं बाहर से दिखाऊंगा, यहाँ हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, 100 रुपये जाते हैं यहाँ पे पार्किंग के, 6 से 8 घंटे तक के,
अब यहाँ गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे और देन इसके बाद मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ क्या ही बढ़िया जगह है ये पार्किंग की, उसका शॉट भी अलग से डालूंगा, ठीक है। तो गाइस ये है पार्किंग की जगह जिसमें हमने अपने अंदर गाड़ी खड़ी कर दी है और क्या ही बढ़िया बना हुआ है ये, अभी दूर से दिखाता हूँ मैं। तो हम खो गए हैं, हमको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, गोवर्धन गिरिराज जी का मंदिर हमको पता ही नहीं है और दीदी को भी नहीं पता है। तो अभी गूगल मैप्स पे रास्ता देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी अच्छे से और सब लोग पैदल ही निकल आए बाहर बच्चों को गोदी में ले लेके। जहाँ से देखो परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से मंदिर शुरू हो जाते हैं। अभी हम दान घाटी मंदिर जा रहे हैं। ये लिखा है देखो दान घाटी मंदिर। तो गाइस बालों की एजनेस हो गई है, अभी हम खड़े हैं गिरिराज जी के मंदिर में और यहाँ पर दर्शन हो गए हैं। मैंने अंदर शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत भीड़ थी, पीछे तब भी मैं शूट कर लेता लेकिन इस साइड में अंदर भाई गोवर्धन गिरिराज जी पे शूट नहीं हो पाया। अभी हम फोटो वोटो लेते हैं थोड़ी। ये बताओ कहाँ चल रहे हैं अब? पक्की बात है। पता है गिरिराज महाराज जी के दर्शन हो गए और फिर हमने सोचा थोड़ा खाना खाएंगे देन हमने इसके रूम पर चलेंगे, उसके बाद शाम को प्रेम मंदिर चलेंगे। लेकिन अब जिया जी कह रहे हैं मानसी गंगा चलना घूमने, तो अब हम मानसी गंगा जा रहे हैं। तो भाई उसके बाद तो टाइम लगेगा अब हर चीज़ में। भाई देखो बोरा 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 देखो भाई बोरा बोरा बोरा। तो गाइस हमारे जीजा जी वहीं रुक गए, उन्होंने बोटिंग नहीं करी, पता नहीं क्यों नहीं आए। लोग बोटिंग करने आए हैं मानसी गंगा में और क्या ही मजा आ रहा है। दीदी आई है, रजनी आई है, चिकू भी आया है, मजा आ रहा है। आइए तो गाइस मानसी गंगा में बोटिंग में बहुत मजा आया, काफी उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। अभी हम खाना खाएंगे पहले और फिर शाम के टाइम प्रेम मंदिर चलेंगे। तो गाइस जो हमारी बोट चला रहे थे बाबा, उन्होंने बताया कि मानसी गंगा की गहराई जो है लगभग 30 फीट है और वहाँ पानी अपने आप ही आता रहता है और कुछ पानी बारिश का जमा हो जाता है। अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं खाना खाने के लिए जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, देन उसके बाद कहीं और जाने का सोचेंगे हम लोग। तो गाइस वैसे तो हम सीधे जा रहे थे प्रेम मंदिर के लिए, या कहूँ कि हमने इसके रूम के लिए, दोनों ही रूट एक हैं, लेकिन अभी हम रास्ते में रुक गए हैं और हम आए हैं श्री श्री बन बिहारी मंदिर और उसके पास में है एक बहुत बढ़िया सरोवर। अभी हम आपको दिखाते हैं क्या ही बढ़िया सरोवर है ये, और यहाँ पर फोटो वोटो लेंगे। तो 3, 2, 1 सिनेमेटिक, इन्जॉय करो।
तो गाइस अभी बंदर को देखो बिस्कुट देंगे अमर जिया जी, और बंदर देखना कितने प्यार से लेगा। इसी को दे दो केले वाले को। अरे ये आइए लो, तो गाइस फाइनली श्री राधा वन बिहारी जी के पास के सरोवर के भी दर्शन कर लिए हैं, और अभी हम सीधे अब खाना खाने के लिए कोई पार्क ढूंढते हैं, पार्क में चले खाना खाते हैं। बहुत ही बढ़िया मज़ा आ गया। इधर हमारी गाड़ी तैयार हो गई, सब लोग बैठ गए, हम भी बैठते हैं, चलते हैं फिर। तो दोस्तों हम लोग खाना खाने के लिए कहीं भी नहीं रुके, सीधे हमने इसके रूम पर आए, यहीं खाना पीना होगा अभी। और मैं दिखाता हूँ हमने इसका रूम कहाँ पर है और कैसा रूम है। चौमुआ का पुल और इसी के पास है ये रूम, अभी दिखाता हूँ। गाइस ये हमने इसका रूम फिलहाल, पढ़ने वाले बच्चों का तो ऐसा ही रहता है। और यहाँ हम लोग खाना खाएंगे अभी। अब मटकू दूध पी रही है, और ये एक मंकी सो गया है। चिकू खाना खा लो पूरी। तो दोस्तों सब ने खाना खा लिया, दो अभी तक खाना चल रहे हैं अभी तक, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। 5 बजे तक प्रेम मंदिर पहुँच जाएंगे, और फिर 15-20 मिनट ऐसे ही घूमेंगे जब तक अंधेरा भी हो जाएगा, तो प्रेम मंदिर की लाइट जल जाएंगी तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो चलते हैं फटाफट से सीधे वहीं पर, बाकी सब लोग आ रहे हैं पीछे पीछे, फटाफट चल के मैं गाड़ी के दरवाजे वगैरह खुलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे माँ वैष्णो देवी का मंदिर भी है, लेकिन हम जा नहीं सकते अंदर क्योंकि हम पर टाइम नहीं है। अभी प्रेम मंदिर देखेंगे और सीधे घर निकलना है। क्या ही मूर्ति है यार, देखो पास में हनुमान जी भी हैं, तो निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर तक गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, हटानी पड़ सकती है पुलिस वाले जाएंगे तो। तो गाइस गाड़ी हम लोगों ने अपनी पार्किंग में खड़ी कर दी है, अभी मैं पार्किंग से नीचे आ रहा हूँ। देखो ऐसी कुछ पार्किंग है, और जल्दी चलते हैं यहाँ से, हमको टर्री लेनी है और टर्री हमें प्रेम मंदिर तक पहुँचाएगी, चिकोर में साथ में ही है। तो गाइस पीछे दरवाजे से आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग प्रेम मंदिर पहुंच गए हैं, और इसके आगे ब्लॉग आएगा अगला। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और ये टाटा बाय बाय।